काम करे खातिर बुला ले गए तो हमनी का जानी सा जे हमनी सा धोखा करी या धोखा लोग करी। जिस पर चिनासी है वो अपना नाम गुदवाया है, उसको बांह काट दिया गया, हाथ काट दिया गया शख्स मिटाने के लिए। इसे जाहिर होता है कि उसको मार काट के उसका हत्या किया गया है और उसको पानी में बिक दिया गया है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे आदमी पर? ओकरो फांसी होके चाहिए, सजा होके चाहिए जे ना बर। झलको गोपालगंज, हम राजेश आइलवनी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के जादूपुर बिशनपुर पुल के समीप जहाँ एक मजदूर के मौत के मामला सामने आयल बा। जौन मजदूर के एक व्यक्ति द्वारा बुला के ले गए बा, ओकरा बाद से व्यक्ति बुला के ले गए बने, ओकरा बाद से व्यक्ति ही लापता रहा। जौन के लापता के FIR जादूपुर थाना में कल गया रहा और 12 से 14 दिन बाद बिशम्बरपुर थाना क्षेत्र के काला मटनिया के समीप मृतक के शव गंडक नहर से पुलिस शव बरामद कर ले बिया। हालांकि पुलिस में कार्रवाई करते हुए जौन व्यक्ति बुला के ले गए ओकर गिरफ्तारी कर ले पुलिस और लोग से जानकारी ले ली कि क्या विवाद कैसे ही घटना भइल बा। घटना भइल खाना खात रहले सीवे आइल बुला के ले गए चलो है काम खाना छोड़ देले आ कल तरी ले के घर दइयो बात वाली ते ले गए गई काहे बुला के ले सीवे पाठा धोबिया काम करे खातिर बुला ले गए तो हमनी का जानी सा जे हमनी सा धोखा करी या धोखा लोग करी। धोखा करे खातिर ढूंढा रोक दल सर जे हमारे बाबू लटुअरिया मोबाइल वाले एक बार में कोई नहीं के क्या भी बात लग रहा है अगर ऐसा भी याद हो और आदमी लिया कर दे टार करो हमने कहा जिंदगी भर का खर्चा दे कोई से जेंगे आदमी और आदमी ले गए ना वहीं का लिया कर दे और आदमी क्या और आदमी चाहिए तो चाहिए और दूसरा कुछ नहीं दे मतलब नहीं क्या जेंगे और बाबू लटकोरिया वालों वहीं का वो करो लोग लेकर टकोरिया करो सर तो कोई बात बार तो कौन हो जाती नहीं कर हमने के बताइए पूरा दिन तो बुला के ले गए तो क्या कहिला बुला के ले गए तब हम बुला ले तो गन गया तो क्या कहिला सुन गोलस की कहिला की क्या कहिला तो गोला तो साथ में लेके आवे के चाहिए के ले जाता आदमी के बुला के तो आदमी के संग लिया तन ओकरा कने धइल जाई दूसरा कने ने धइल जाई बुला के ले ओकरा बाद कितना दिन बाद मिलेला लाश 12 दिन पर लाश मिलल बुध के बुला ले गई घर से बोला के ले गई ले खाना खातर ले खाना ना खा दे कहले की चलो खाना जब बनल बा तो बोला के ले गई ले काम करे खातिर काम करे ला मजदूर आदमी रहबे कई तो चल अले आके ऊख में लुखार ले साहिब जी के 3 दिन हम घर के औरत गर ली से घास करे 3 दिन देख ली सब सिव बैठा आके कहली सर तो हम कही रे डोमा नहीं खल लगत नहीं खल लगत गए काम करे हम ना रही हमारे सामने गए रही तो वही तो हम अब 14 तारीख के घटना बुध दिन रहे आ 14 तारीख के गैनी सब अथी हम 4 दिन बाद गैनी सब का घर है पूछनी सर साइकिल का घर रहे तो पूछनी सर ऊ कहाँ बड़े तो कहले कि जब बात को बुझे जो घर गई सबका तो कहले कि भाग जा लो ना तो गोली मार के छितार दे तो हम कहे कितना जन गोली मरी है चलो सर धो लिए नहीं सर घर से उनका आ धो के लिया के जब बैठल रही सर बड़ा बाबू के फोन कैनी सर ओकर बाद हमी सब हमनी से कुछ बतौले बड़ा बाबू के पहले जो मोटरसाइकिल में बैठा दिल मानी एगो हेलमेट वाला रहा आ चाँप दाढ़ी वाला रहा ओकर बैठा देनी चल गए तो हम पूछे तू चिन्ह नहीं कह बैठल बड़ा तू नहीं चिन्हता रह हम कह जाते हैं मजदूरी करे गई बा तू लेके गई बड़ा का कैले बड़ा का धैल बड़ा तू जानता रह इतने बात हम जानते नहीं सर आकर बाद हम धो के लिए सर बाद पुलिस खबर देनी सन पुलिस आइल अपन छानबीन कैलस आ लेके गई। कितना दिन बाद कहाँ से सब बरामद भेल? बरामद सब भेल अथी से काला मटिनिया डीरा क्षेत्र से बिशम्बरपुर थाना से आ हमनी के रात के 9 बजे करी में हमारा मोबाइल पर फोन हो गए तो हम 9 बजे के बाद तुरंत लेकर के भेजबे गोपालगंज तो जाके चिन्हले हैं सन हमनी के लोग मोबाइल पर फिर भेजले हैं सन हमनी के चिन्ह लेनी है सन। कैसे मतलब का कइल बंगा के कैसे हत्या कइल बा? अभी हत्या के तो हम ना बता सकते हैं कथी से बजबा उनको तो एगो दहिना बाहे नहीं खे दहिना बाहे काट दिया जाना पर उनका नाम लिखल रहे काट दिया बा हाँ बीफे से जो रहे सूख के हमरा मिला तो घर चला गया सनीचर को हम आए लाइटिन कह के बाना कौर से तो वहाँ पर मिला उसको पकड़े साइकिल भी चिन्ह पकड़े पकड़ के ले गए तो कहता हम यहाँ उतारे हैं पुल को बगल
तू पुल को बगल गइल बानी सन आइल बानी सन त कुछ ना कब यहाँ बतल बा कब वहाँ बतल बा त साइकिल बरामद कर लेबे सा बुध संचर के दिन ओकरा के धक लिया के रखल रे सा बड़ा बाबू के हवाले कर दे से ये तो बात चिन्हासी खातिर जनरल तन हाथ काट देल बा हां हाथ काट देल बा हाथ काट देल बा का कार्रवाई होय चाहिए ओसन आदमी पर ओकरो फांसी होके के चाहिए सजा होके के चाहिए जे ना बरे ये घटना 14 तारीख को है 14 तारीख को इनको बुला के घर से लिया गया काम के लिए उसके बाद 3 दिन नहीं मिलने के बाद ये लोग पूछा तो बोला जब हम नहीं जानते हैं 3 दिन मिलने के बाद ये लोग नहीं गया तो मेरे पास ये लोग गया तो हम गए थाना पे इन्फॉर्मेशन दिए थाना पे इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक अपहरण का केस हुआ उसके बाद उसको अरेस्टिंग किया गया और अरेस्टिंग कर उसको जेल भेज दिया गया और ये लोग अपना डेड बॉडी को मैंने ये आदमी को खोजबीन कर रहे थे लेकिन नहीं मिला रविवार को दिसंबर तो थाना द्वारा थाना में इसका डेड बॉडी मिला और हम लोग को न्यूज के माध्यम से पता लगा तो हम लोग वहाँ के बड़ा उससे संपर्क किए तो बड़ा बोले हाँ एक डेड बॉडी मिला है आप लोग आके पहचान कीजिए हम लोग गए हॉस्पिटल में तो उसका पहचान किए वो ये व्यक्ति है और उसका हत्या करके वहाँ बेच दिया गया है और इस पर जो भी हो उचित कार्रवाई करने प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए और दलित बस्ती है दलित लोग हैं लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं खाने की मुमताज है तो कहाँ से ही लोग कुछ कर पाएंगे इसलिए इन लोग पर न्याय इनको न्याय दिलवाया जाए और इन लोग को सही इंसाफ दिलाया जाए क्या काम करते रहन और कई गो लैका इनका 7 गो लैका बड़े अभी मजदूरी करते रहे मजदूरी करके अपन पालन पोषण करते रहे बहुत ही दुखद घटना बा 7 बच्चा के पिता और लहन जन मजदूरी के काम करके 7 गो बच्चा एक पत्नी के भरण पोषण करते रहन जना व्यक्ति के हत्या के आरोप लगावल जाता कि हत्या करके सौ फेंकल बा और पहचान चिन्ह भी मिटा देवल बा दाहिना हाथ काट देवल बा जना से पहचान ना हो सके परिजन के कहना बा कि पुलिस स्तर से प्रशासनिक स्तर से कड़ा कार्रवाई होके और आरोपी के जल्द से जल्द सजा मिले।